और चलिए अब रुक कर रहे हैं कुछ और खबरों का। फतेहपुर के हसनापुर सानी गांव से अपहरण हुए लड़के को मालवा पुलिस ने बरामद कर लिया है। परिजनों ने देर रात डीएसपी सिटी के ऑफिस पहुंचकर हंगामा काटते हुए आरोप लगाया कि उनके बेटे को पड़ोस के गांव के रहने वाले युवक ने धमकी दी थी, जिसके बाद उनके बेटे का फोन आया और उसने बताया कि उसका अपहरण हो गया है। अपहरणकर्ता ने 10 लाख की फिरौती भी मांगी। जब पुलिस ने मामले की जाँच की तो पाया कि युवक ने खुद के अपहरण का षड्यंत्र रच कर 10 लाख रुपए की फिरौती के लिए अपने परिजनों को फोन किया था। मामला हुआ था, दिलीप पांडे ने हमारे परिवार वालों को ठही कह गए थे कि आज़ाद कौन है, आज़ाद मेरी बिटिया से बात करता है, मिल जाएगा तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शाम के 7 बजे ने सिरी लेने गया तो हमारा बच्चा लौट के घर नहीं आया। हमने ढूंढना शुरू किया, नहीं मिला। सगा ढूंढते रहे, ढूंढे रात भर जागते रहे। सुबह 4 बजे फोन आया बड़ी बिटिया के रे में, कहे दीदी बचा लो, हमको पकड़े, हमको मार डालेंगे। तब हमने 112 नंबर का फोन किया, तब पुलिस आई, तब दिलीप के घर गए। तब दिलीप के आधे घंटे में दरवाजा खुले, इसके बाद पुलिस बैठाया उनको भी और हमको भी, कहा चलो। क्या लग रहा है बेटा, आपका मिला अभी तक? अभी नहीं मिला। किसी तरीके का फोन कॉल आया आपसे, पैसे की मांग की गई? जब थाने पहुँच गया तब दिलीप कुमार थाने पहुँच, तब इसके बाद फोन आया हमारे भतीजे के कि 10 लाख रुपया दे दो, तुम्हारा लड़का हमारे पास है कानपुर में, ले जाओ। तो इतने में हम पूछने लगे कहाँ पर है, पूछो। तो इतने में आपको क्या लगता है, आपके बेटे के साथ कोई अनहोनी हो सकती है या कौन कोई अपहरण किया है? हाँ, अनहोनी हो सकती है, क्या बताइए।